हाय एवरीवन, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट में। फ्रेंड्स, आप सबका प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे इसकी हम कामना करते हैं। और आज का हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अब तक हमारे चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुरकुरे चूड़ा मटर की रेसिपी। जी हाँ, इसे आप बनारसी चूड़ा मटर भी बोल सकते हो। ये बनारस में बहुत ही मिलता है और बनारस का ये फेमस चूड़ा मटर है। इसे आप कुरकुरे चूड़ा भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो हम चूड़ा यूज़ कर रहे हैं उसे हम बिल्कुल कुरकुरा करके यूज़ करेंगे, तो ये नरम बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसे आप हरे मटर और चूड़ा का नमकीन भी कह सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस चूड़ा मटर के लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी चूड़ा। आप देख सकते हो हमारा ये जो चूड़ा है ये बहुत बारीक वाला नहीं है, तो मीडियम साइज़ के चूड़ा को हमने ले लिया है और बिल्कुल फ्रेश और नरम मटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है 1 कटोरी। और 1 छोटे चम्मच नमक लिया है, लगभग 1 बड़े चम्मच धनिया की पत्तियों को हमने ले लिया है। इसमें डंडियाँ नहीं होनी चाहिए, आप डंडियों से एक एक पत्ती को अलग कर सकते हो बिल्कुल इस तरीके से। तो ऐसे आपको फ्रेश धनिया की पत्तियाँ चाहिए। 2 बड़े चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया है और यहाँ पर 2 हरी मिर्च हमने ले लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस हमने 1/2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें इस मटर को डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। मटर को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, यानी इस मटर की ग्रीनरी जो है बनी रहनी चाहिए। तो ऑयल हमारा हो चुका है गरम और हम इसमें डाल देते हैं मटर को। इसे लगातार चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। मटर में हमने हल्का सा नमक डाल दिया है, आप इसमें बिल्कुल उतना ही नमक डालें जितना आपके मटर के लिए ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, वरना आपका चूड़ा मटर में ज़्यादा नमक लगेगा जो टेस्ट को ख़राब कर सकता है। मटर अब पक चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए ऑयल को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। इसे हम गरम करेंगे ऑयल को और फिर उसमें ये जो हमने 2 हरी मिर्च ली है इन्हें बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये है हरी मिर्च जिसे हमने कट कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च को। और गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। अब चूड़े को हमें खूब अच्छा कुरकुरा फ्राई कर लेना है। इसे लगातार हम चलाते हुए अच्छा कुरकुरा फ्राई कर लेंगे।
हमारा चूड़ा लगभग आधा पक चुका है, तो अब हम इसमें धनिया की पत्तियों को भी डाल देते हैं और चूड़ा के साथ साथ हमें इस धनिया पत्ती को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि हमारी ये जो धनिया पत्ती हैं ये भी कुरकुरी हो जाएं। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके आपको इसे फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम को हाई करके इसे फ्राई करोगे तो आपका जो चूड़ा है वो काफ़ी ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। और आप देख सकते हो हमारा सारा चूड़ा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और चूड़ा भी हमारा क्वांटिटी में लगभग डबल हो चुका है। सारे चूड़े बिल्कुल अच्छे से खिल चुके हैं, तो गैस को हमें अब बंद कर देना है और ऑयल में से चूड़े को अच्छे से निकाल लेना है। इसे आप टिश्यू पेपर के ऊपर पहले रख सकते हो। फ्रेंड्स, आप चूड़ा में नमक को अभी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर सकते हो या इसे आप प्लेट में निकाल के भी मिक्स कर सकते हो नमक। तो चलिए हम नमक को अभी मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास नमक है इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप नमक की मात्रा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा नमक बचा लिया है और इन्हें हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब हमने कढ़ाई में से चूड़े को निकाल लिया है और टिश्यू पेपर में जब हमारा ऑयल हल्का सूख जाए तब हम इसे किसी और प्लेट में रख लेंगे और ये जो हमने मटर लिया है इसमें मिक्स करके खाएंगे। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसी तरीके से मटर को अलग और चूड़ा को अलग तैयार कर सकते हो फ्राई करके, और जब आपको इसे खाना हो या जब आपको इसे सर्व करके देना हो किसी को उस टाइम आप इस चूड़ा में मटर को ऐड करिए, क्योंकि अगर आप पहले ही ऐड करके रख दोगे तो चूड़ा में हल्का नरमाहट आ सकता है। क्योंकि हमने बिल्कुल कुरकुरे चूड़ा मटर तैयार किए हैं आज, तो इसे कुरकुरा खाने में ही बहुत मज़ा आएगा। तो आपको जब भी इसे खाना हो तब आप मटर को और चूड़ा दोनों को एक साथ ऐड करके खा सकते हो। जितना आपको खाना हो उतने भाग में ही आप मटर को ऐड करो और मटर भी जितना आपको लेना हो उस हिसाब से ऐड करके आप खा सकते हो। और अब हमने मटर और चूड़ा दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। ये गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और अगर आपको इसे थोड़े देर में खाना है तो आप मटर और चूड़ा दोनों को अलग अलग तैयार करके रख सकते हो और फिर जब आपको खाना हो तो दोनों को एक साथ मिक्स करके खाइए, सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और फ्रेंड्स, इस मौसम में तो मटर बहुत ही ताज़ा ताज़ा और हरा हरा मिल रहा है, धनिया पत्ती भी आपको इजीली मिल जा रही है और आप इन्हें फटाफट से बना के खा सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ये बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। तो मेरे कहने से आप इस बनारसी कुरकुरे चूड़े मटर को ज़रूर ट्राई करिएगा और अच्छी लगेगी रेसिपी तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात आज मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस का लाभ उठाते रहिए, अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बांटते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे इस वीडियोस और हमारे चैनल के लिंक को आप शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं अनोखे और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।